तो भाई फाइनली आज से वक्त आ चुका है आईपीएल प्लेऑफ का, और आज के दिन होना है एक बहुत ही बड़ा मुकाबला सीएसके और गुजरात टाइटंस का। अब ये मुकाबला जो खेला जाना है, खेला तो जाना है चिपॉक के मैदान पे, यानी कि चेन्नई के घर में, लेकिन कुछ नहीं कह सकते कि चेन्नई जीतेगी या गुजरात जीतेगी, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि आईपीएल हिस्ट्री में जितनी बार भी गुजरात और चेन्नई भिड़ी है, हर बार जीती गुजरात ही है। हालांकि इन दोनों के बीच मात्र 3 ही मैच हुए हैं और ये तीनों ही मैच गुजरात ने जीते हैं, लेकिन सिर्फ इस बेसिस पे हम ये भी नहीं कह सकते कि आज का मैच जो है वो गुजरात जीतेगी। और इसी से रिलेटेड मुझको एक और बात याद आती है कि जो दूसरा क्वालिफायर भी होना है मुंबई और लखनऊ के बीच, यहां भी भैया जो कैलकुलेशन है कुछ ऐसी ही चल रही है कि जो लखनऊ है उसने अभी तक मुंबई से भैया आईपीएल हिस्ट्री में जितने भी मैचेस खेले हैं वो सारे के सारे जीते हैं। लेकिन यहां पे भी जो सिनेरियो है एकदम सेम है कि लखनऊ ने मुंबई से मात्र 3 मैच खेले हैं और तीनों जीते हैं, लेकिन फिर से हम यहां पे ये नहीं कह सकते कि लखनऊ ही जीतेगी, क्योंकि मुंबई जिस तरीके से प्लेऑफ में पहुंची है और पिछले कुछ मैचेस में जिस तरीके से खेल रही है, भाई मैच जो होने वाले हैं ना प्लेऑफ के, कतई बवाल होने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वैसे जहां अभी हम बात कर रहे थे चेन्नई सुपर किंग्स की, तो यहां पे मैं आपको एक बहुत ही कमाल की और दिलचस्प बात बताना चाहता हूं कि जैसे ही सीएसके प्लेऑफ में क्वालिफाई हुई थी ना, तो भैया सीएसके के क्वालिफाई होते ही जो उनके बॉलिंग कोच हैं चैंपियन डीजे ब्रावो, वो एक ऐसी भैया पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे जिसे देख के भैया हर कोई मतलब पगला जाता है, हर किसी के भैया मजे करा देते हैं वो। देखो असल में ब्रावो यहां पे आईपीएल के सारे ही एक्सपर्ट्स का नाम डालते हैं जिनसे आईपीएल शुरू होने से पहले ये सवाल करा गया था कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से टीमें बनी हैं, कुछ स्ट्रांग दिख रही हैं, कुछ वीक दिख रही है, कुछ की भैया कुछ ताकतें हैं, कुछ की कुछ कमियां हैं, तो इन सभी चीजों को देखते हुए वो दो टीमें कौन सी होंगी जो लीग मैचेस खत्म होने के बाद टॉप 2 पे फिनिश करेंगी। तो ब्रावो ने उन सभी का नाम डाला जिन्होंने भैया ये क्लियर कहा था कि जो सीएसके है उनकी टीम इतनी स्ट्रांग नहीं दिख रही है कि वो टॉप 2 में क्वालिफाई कर सके। लेकिन वो बेचारे भूल गए थे कि भले ही सीएसके की टीम स्ट्रांग हो या वीक हो, लेकिन सबसे बड़ी ताकत जो सीएसके की है वो ये है कि उसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं। यही बात है। अब ब्रावो ने जिन लोगों का इस लिस्ट में नाम डाला उसमें थे डेविड हसी, जैक कालिस, डैरन गंगा, टॉम मूडी, एरॉन फिंच, एस श्रीसंत, दीपदास गुप्ता, संजय मंजरेकर, संदीप पाटिल, मिताली राज, इरफान पठान और मोहम्मद कैफ। ये सारे ही लोग वो थे जिनके हिसाब से सीएसके पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 में नहीं रह सकती थी। इवन ब्रावो ने इस पोस्ट के कैप्शन में ये भी लिखा कि जिन लोगों ने प्रेडिक्शन कर रखी है, मुझे लगता है उस दिन कुछ अप्रैल फूल वगैरह होगा, तभी ऐसी भैया प्रेडिक्शन करी थी इन लोगों ने। आगे बढ़े तो जैसा कि आप जानते हैं भैया, कुछ ही दिन पहले शुभमन गिल ने एक शानदार शतक लगा के आरसीबी को प्लेऑफ से बाहर कर दिया था, और मैं ये भी जानता हूं कि जो भी आरसीबी फैंस हैं वो अब भी दुखी होंगे, अब भी मायूस होंगे। चिंता की कोई बात नहीं भाई, हमारा दिल आपकी ही तरह दुख रहा है। हम भी भैया विराट कोहली के फैन थे, हम भी चाहते थे कि आरसीबी भैया काश एक बार कम से कम ट्रॉफी पकड़ ले, उसके बाद पकड़े ना पकड़े सब बात की बात है, लेकिन भाई ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, शुभमन गिल को तो कुछ और ही मंजूर था। लेकिन यहां पे भैया उस मैच के बाद कमाल की बात ये देखने को मिलती है कि खुद द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर भी शुभमन गिल को एक पोस्ट में टैग करते हैं और लिखते हैं कि शुभमन गिल की शानदार पारी ने मुंबई को प्लेऑफ में पहुंचा दिया। अब देखो मैं खासकर सचिन तेंदुलकर ने ऐसा क्यों लिखा या इस बारे में बात मैं क्यों कर रहा हूं, अब मैं क्यों कर रहा हूं भैया तो तुम जानते ही होगे, उस बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। लेकिन 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 भाई जहां पे हमें सचिन तेंदुलकर की तरफ से शुभमन गिल के लिए ये एक शानदार पोस्ट देखने को मिली, तो वहीं पे जो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम है उनके सोशल मीडिया अकाउंट से एक ऐसी पोस्ट की जाती है जिसे देख के बहुत लोग नाखुश होते हैं। वो लोग भी शुभमन गिल की पारी को अप्रिशिएट करने के लिए एक पोस्ट तो डालते हैं, लेकिन उस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने जो लिखा होता है उसे देख के हर कोई उनको खरी खोटी सुना रहा होता है, क्योंकि उस पोस्ट में कहीं ना कहीं साफ साफ ये झलक रहा होता है कि वो लोग विराट कोहली को ट्रॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जिसे हम कह सकते हैं कि आरसीबी को ट्रॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उस पोस्ट के कैप्शन में वो ये लिखते हैं कि शुभमन गिल को क्या अब भी लोग प्रिंस कहने में लगे हैं, क्योंकि वो तो भैया अब ऑलरेडी किंग बन चुके हैं। और देखो जैसा कि आपको पता होगा कि क्रिकेट का किंग किसे कहा जाता है, विराट कोहली को, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स वाले कहीं ना कहीं अपनी पोस्ट में इस बात को रिफ्लेक्ट करने में लगे हैं
हैं कि भैया नया किंग आ चुका है जिसका नाम है शुभमन गिल। देखो नो हेट फॉर गिल और बहुत ही शानदार प्लेयर हैं, हम चाहते हैं इंडियन टीम में आए, मल्टीपल हमको ट्रॉफी जिताएं, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स वालों, हालांकि मैं लखनऊ का हूं, मैं फिर भी ये बात कह रहा हूं कि ये जो बात आपने कही है, ये जो बात आपने लिखी है, पता नहीं इसके पीछे इंटेंशन क्या है, लेकिन जब हम इस पोस्ट को पढ़ते हैं तो जो इंटेंशन है वो बिल्कुल भी साफ सुथरे तो नजर नहीं आते। देखो जो कॉन्ट्रोवर्सी है वो दो पल के लिए गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच है, या फिर शायद अब खत्म भी हो चुकी हो, या दो पल के लिए उस दो कौड़ी के नवीन उलहक या फिर विराट कोहली के बीच हो सकती है, लेकिन आपको इसे इस लेवल पे लेके नहीं जाना चाहिए था, खासकर जिस पॉइंट पे आरसीबी बाहर हो गई है, और बाहर भी तब हुई है जिसमें विराट कोहली ने एक बहुत ही शानदार पारी खेली। आप दो पल के लिए आरसीबी की टीम के बारे में कुछ लिख भी देते तो लोग फिर भी गुस्सा करते लेकिन भूल जाते, लेकिन जो विराट कोहली हैं वो आरसीबी नहीं है, विराट कोहली नेशनल हीरो हैं, विराट कोहली हमारे देश की शान है, और सिर्फ एक फ्रेंचाइज के लिए या सिर्फ आईपीएल के लिए अगर आप उसे ट्रॉल करने की कोशिश कर रहे हैं तो माफ कीजिए, आप बहुत बड़े मूर्ख हैं। बात तो सही है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया तुम नवीन उलहक को ऐसे दो कौड़ी का कैसे बोल रहे हो, तो भाई बोलूंगा, मेरा मुंह मेरा मन, क्या कर लोगे। देखो दो पल के लिए जो कॉन्ट्रोवर्सी गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच हुई थी उसमें कुछ भी होता मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, चार दिन लोग बात करते, चार दिन बाद भूल जाते, और उस कॉन्ट्रोवर्सी में जाहिर सी बात है भैया कुछ लोग गौतम गंभीर की साइड होंगे, कुछ लोग विराट कोहली की साइड होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये नवीन उलहक जो कि भैया कुछ भी जीवन में उखाड़ा नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं करा है, भैया हमारे देश में आके तुम हमारी फ्रेंचाइज खेल रहे हो, दो पल के लिए तुम्हारी विराट कोहली के साथ नोकझोंक हो गई थी, चलो समझ में आता है उस दिन तुमने कुछ बोल दिया होगा, विराट कोहली ने तुम्हें कुछ बोल दिया होगा, वो भी समझ में आता है, लेकिन भैया हर दिन तुम हमारे ही देश में आके हमारी फ्रेंचाइज में खेल के हमारे नेशनल हीरो को टैग करके उसके ऊपर मीम डाल रहे हो और उसके बाद तुम इतरा रहे हो, भाई देखो हर चीज बर्दाश्त है लेकिन विराट कोहली की इंसल्ट वो भी किसी गलत इंटेंशन के साथ ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तुम्हें दो पल के लिए भी अगर ऐसा लग रहा है कि हम अगर लखनऊ को सपोर्ट करते हैं तो तुमको इस हरकत के लिए सपोर्ट करेंगे तो तुम असल में बहुत बड़े वो हो जो मैं बोलना नहीं चाहता, मैं दो पल के लिए बोलने का मेरा मन कर रहा है लेकिन फिर भी थोड़ी चैनल की गरिमा बना के रखनी है इसलिए नहीं बोल रहा हूं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और ये बात बोलने से पहले मैंने स्पेशली ये मेंशन कर दिया था कि मैं लखनऊ का हूं, मैं लखनऊ टीम को सपोर्ट करता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसकी इस घटिया हरकत को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहता। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि भैया मैं इतना गुस्सा क्यों हो रहा हूं, तो भाई तुमको ही पता होगा जैसी आरसीबी टीम बाहर हुई थी, जैसी विराट कोहली प्लेऑफ से बाहर हुए थे, तो नवीन उलहक एक पोस्ट डालते हैं जिसमें एक हंसता हुआ बंदा डाल देते हैं और उन्हें लगता है कि जो लखनऊ के सपोर्टर्स हैं वो इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे। भाई देखो मैं लखनऊ को भी सपोर्ट कर रहा हूं, मैं आरसीबी को भी सपोर्ट कर रहा था या फिर मैं किसी और टीम को सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन चाहे मैं किसी को भी सपोर्ट कर रहा होता या किसी भी प्लेयर को सपोर्ट कर रहा होता, फिर भी एक इंडियन होने के नाते मैं तुम्हारी इस हरकत को मुंह उठा के बाहर फेंक दूंगा। वैसे आपका उसकी इस हरकत के बारे में, और सेम टाइम पे लखनऊ सुपर जायंट्स ने ये जो शुभमन गिल को लेके पोस्ट डाली है प्रिंस और किंग वाली, इस बारे में आपका क्या टेक है, आपका क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताइएगा। यहां पे मैं गुजरात टाइटंस वालों को अप्रिशिएट भी करना चाहूंगा कि जैसी आरसीबी वो मैच हारती है तो गुजरात टाइटंस की तरफ से जो सबसे पहली पोस्ट आती है सोशल मीडिया पे वो ये नहीं आती है कि गुजरात मैच जीत गई है, उनकी जो सबसे पहली पोस्ट होती है उसमें वो विराट कोहली की पिक डालते हैं और उसके ऊपर कैप्शन में एक टूटा हुआ दिल बना देते हैं। कम से कम गुजरात टाइटंस वालों को इस बात की तो अकल है कि एक लेजेंड की इज्जत कैसे करी जाती है, जबकि वही टीम है जिसने उस लेजेंड को उस प्लेऑफ से बाहर किया है जो कि गेम का हिस्सा है। माना कुछ लोग दुखी होंगे, माना कुछ लोग गुजरात टाइटंस और गिल पे गुस्सा भी होंगे, लेकिन भाई देखो अगर तुम्हारे अंदर दिमाग है तो कुछ घंटे तुम गुस्सा रहोगे, कुछ घंटे बाद तुम ये समझ जाओगे भाई ये गेम है, यहां ऐसा ही होता है, वो जबरदस्ती आउट थोड़ी हो जाएगा। और विराट कोहली और आरसीबी को अपने आप को पहले से ही सिचुएशन में लेके चलना था ना कि ये नौबत ही ना आए कि आखिरी मैच पे डिपेंडेंट हो, तो गलती इसमें असल में पूरी आरसीबी की है। और मैं ये तब कह रहा हूं जब मैं बहुत ही तहे दिल से चाहता था कि जो आरसीबी है वो ये प्लेऑफ जीते, लेकिन उसके बावजूद भी मैं गुजरात टाइटंस को उनकी इस हरकत के लिए अप्रिशिएट करता हूं। और जैसा मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो थोड़ी सी ये जो नॉनसेंस वाली पोस्ट और बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल वाली पोस्ट जो लखनऊ सुपर जायंट्स ने डाली है और ऊपर से नवीन उलहक ने जो ये भैया सी स्टोरी डाली है उसको मैं एक इंडियन होने के नाते अप्रिशिएट नहीं कर सकता। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। बाकी एक लंबे टाइम बाद अपन जल्दी से देख लेते हैं कि कौन है आज के क्रिकेट स्टार जिन्होंने भेजा है अपना सवाल हमारे इंस्टाग्राम के द्वार। तो उनका नाम है शाश्वत शुभ्रा जो कहते हैं हाय ब्रदर बिग फैन, एक क्वेश्चन है ये लोग जो शुभमन को आरसीबी के अगेंस्ट मैच जिताने के लिए अब्यूज कर रहे हैं उन्हें ये क्यों समझ में नहीं आता है कि जब डब्ल्यूटीसी और वर्ल्ड कप होगा तब मैक्सवेल या फिर डुप्लेसिस इंडिया को बचाने नहीं आएंगे, रोहित कोहली और शुभमन बचाएंगे। मैं भी कोहली भाई का फैन हूं मगर ये बात एक्सेप्ट करता हूं
दूं कि आरसीबी का मिडल ऑर्डर और सिराज को छोड़कर बॉलिंग देखकर लगा कि आरसीबी प्लेऑफ में स्पॉट डिजर्व नहीं करती। और वैसे भी ये तो डोमेस्टिक क्रिकेट है, असली तो इंटरनेशनल होता है। ये आरसीबियंस अपने ही इंडियन प्लेयर्स को गाली देने लगते हैं और उनकी बहन को भी, प्लीज रिप्लाई। तो भाई देखो, सबसे पहले तो मैं आपकी बात से पूरे तरीके से एग्री करता हूं। जो लोग भैया इस चीज के लिए गिल को गाली दे रहे हैं वो मूर्ख हैं, या फिर आसान भाषा में कहूं वो इंडियन क्रिकेट के फैन है ही नहीं। लेकिन आपने यहां पे एक बात लिखी है कि आरसीबियंस समझते नहीं है, ऐसे गाली देने लगते हैं। तो ये जो बात है ये सिर्फ आरसीबियंस के अंदर नहीं है, मैं लिख के दे रहा हूं, कल के मैच में अगर देखो विराट कोहली या फिर कहीं आरसीबी जीत जाती तो बहुत सारे ऐसे मुंबई इंडियंस के फैंस होते या जो भी टीम बाहर हो रही होती उनकी वजह से वहां के भी लोग आते जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरफ से गाली गलौज फैला रहे होते। अब जहां बात आपने आरसीबियंस की करी, मैं यहां पे आपको 2021 वर्ल्ड कप का किस्सा याद दिलाना चाहूंगा। जब भैया इंडिया जो है वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी तब बहुत लोग थे जो विराट कोहली को गाली दे रहे थे, उनकी बेटी के लिए उल्टे सीधे शब्द लिख रहे थे। तो क्या वो आरसीबियंस होंगे? नहीं होंगे ना, किसी ना किसी प्लेयर के बहुत ही जरूरत से ज्यादा कट्टर फैन होंगे जो कि टॉक्सिक फैंस कहा जाता है। तो ये चीज भैया हर प्लेयर के फैंस के अंदर होती है, यानी कि आसान भाषा में हर प्लेयर के ये टॉक्सिक फैन होते हैं। ऑलमोस्ट हर फ्रेंचाइज के इस तरीके के भाईयात फैंस होते हैं। बस देखो आरसीबियंस कह लें या फिर सीएसके की टीम के कह लें या फिर मुंबई की टीम के कह लें, ऐसे फैंस ज्यादा नजर में आते हैं क्योंकि फैंस हैं ही ज्यादा, थोड़े से इमोशनल ज्यादा होते हैं क्योंकि भैया वहां धोनी है, रोहित शर्मा है एक में, दूसरी तरफ कोहली है, बाकी टीम में इतना कोई बड़ा प्लेयर नहीं है कि अगर वो टीम हार जाए या बाहर हो जाए तो लोग पागल नहीं होने लगते हैं। लेकिन आरसीबी से लेके मुंबई से लेके और खासकर सीएसके तक जो थोड़ा सा है ना भाई, जो लगाव है वो सिर्फ लगाव नहीं है, एक इमोशन है, जान दे देंगे इसके लिए। लेकिन स्टिल जैसा मैंने कहा कि मैं आपकी 90% ऑफ द बात से एग्री करता हूं, सिवाय वो जो आरसीबियंस वाली बात है ना उसको छोड़ के। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का इस पूरे ही सिनेरियो के बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है, जो भी वीडियो देख रहा है कमेंट जरूर बताइएगा। और सेम टाइम पे जो आज का मैच होना है पहला क्वालिफायर गुजरात और सीएसके के बीच, आपको क्या लगता है चेन्नई जीतेगी या गुजरात जीतेगी, या फिर आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं ये भी कमेंट जरूर बताना। उसके अलावा वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक दे देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज जो भी वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।